brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. साथियों, आज की सभा चुनावी सभा है और आपके बीच में मैं अपनी पार्टी के लिए, दान सिंह जी के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगने आया हूं। पूरे देश में बदलाव का माहौल है, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। मैं केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी मैं गया हूं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर जगह लोग बदलाव चाहते हैं। 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और लगभग 10 साल से हरियाणा में सरकार बीजेपी की है। इन दोनों सरकारों ने मिलकर 10 साल में जो हाल किसानों का किया है, जो हाल नौजवानों का किया है, हमारे सामने है। और इस बार पूरे देश में 4 चरण का चुनाव हो गया। सब लोग समझ गए, पहले 4-5 चरणों में कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की हमारे सभी उम्मीदवार बहुत आगे निकल गए हैं और बीजेपी पिछड़ रही है, इस बात को सब समझ गए। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, हमने अपने घोषणा पत्र में 2-4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी। सबसे पहली, इस देश के जो अन्नदाता हैं, जिनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की दुगनी हुई है आमदनी? उसके उल्टा खाद, बीज, तेल, पानी, डीजल, सबकी दवाई बढ़ गई, सबकी कीमत बढ़ गई, कीमत बढ़ गई। हम लोगों ने वादा किया, जो लोग काले कानून बनाते हैं, सरकार बनाने से पहले महंगाई की, किसान की, भ्रष्टाचार की, काले धन की बात करते हैं, 10 साल का लंबा समय जनता ने दिया, 10 साल दोनों सरकारों ने काम किया, किसानों पर लाठियां चलाई, आंदोलन करा तो गोलियां चलाई, सैकड़ों किसान शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर पर, वो 3 काले कानूनों के विरोध में। और आज मुझे फख्र है इस बात का, कांग्रेस वो पार्टी है पूरे देश में जिसने पहली बार ये घोषणा करी है कि समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा, MSP पे कानून बनेगा, और कोई भी व्यक्ति इस देश में, कोई भी व्यक्ति कालाबाजारी कर, जमाखोरी कर किसान का शोषण नहीं कर सकेगा। समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा, उससे कम कीमत पर देश में कहीं बिक्री नहीं होगी फसल की। ये पहला हमने एक बात रखी अपने मैनिफेस्टो के अंदर। हमने कहा भाई, देश में जो गरीब परिवार हैं, हर गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की मदद देनी पड़ेगी। महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर 1,100-1,100 रुपए का हो गया, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर हो गया, बाजार में कुछ सब्जी लेने जाओ, फल फूल साग सब्जी तेल चीनी चाय पत्ती कुछ भी ले लो, आसमान छू रही है। तो देश के सबसे गरीब जो परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को 1,00,000 रुपए प्रतिवर्ष हम लोग देंगे, ये हमने वादा किया। बीजेपी की सरकार ने 10 सालों में चंद लोगों को देश के तमाम हवाई अड्डे, गोदाम, रेलवे लाइन, खान, बिजली घर सब दे दिए। चंद लोगों के 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, 16 लाख करोड़ का। ये चंद लोगों को बनाना चाहते करोड़पति, हम करोड़ों लोगों को बनाना चाहते लखपति, ये कांग्रेस पार्टी ने वादा किया। नरेगा के काम चलते हैं, हमने कहा नरेगा में जो दिहाड़ी मिलती है 200-250 रुपये मिलती है, हमारी सरकार बनेगी तो हम 400 रुपये प्रतिदिन देंगे। वे रोजगार का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, आज हम चाहते हैं कि 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं भारत सरकार के, उन 30 लाख पदों को हम लोग भरेंगे। महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए हमने घोषणा पत्र में लिखा। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, भाजपा के साथी बोलते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे। सुना आप लोगों ने? कहते हैं धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ना तो इस देश के संविधान में लिखा है, ना हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होगा। इस देश में जो गरीब होगा, वंचित होगा, पिछड़ा होगा, उसको आरक्षण मिलेगा। ये बैठी सरकार दिल्ली में, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सरकार आप 10 साल से चला रहे हो, हरियाणा में 10 साल बीजेपी की सरकार रही, 9.5 साल मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, उनको आखिर क्यों हटा दिया? अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो आखिर के 6 महीने में क्यों हटा दिया? हटा दिया मतलब कुछ गड़बड़ी थी, गड़बड़ी थी तो लोकसभा का टिकट क्यों दिया? ये समझ गए
हमारी जमीन खिसक रही है। आने वाला समय नौजवानों का है, किसानों का है, आप लोगों का है, कांग्रेस का है। इसलिए आप लोगों से मैं वोट मांगने आया हूं, आप लोगों से समर्थन मांगने आया हूं। हम लोग चाहते हैं देश में अगर सरकार चले तो किसी की पसंद नापसंद से ना चले, संविधान से चले, संवैधानिक संस्थाओं से चले। और आप सब लोग जागरूक लोग हो इस देश में। दुनिया बोलती है कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, भारत में जमहूरियत बहुत मजबूत है। क्यों है? क्योंकि 70 साल से जो भी कोई सरकार आई है उसने संस्थाओं को मजबूत किया है। लोग कहते हैं वोट पड़ती है, वोट तो बहुत देशों में पड़ती है, वोट तो रूस में पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है मजबूत विपक्ष हो, मजबूत संस्थाएं हो, मजबूत मीडिया हो, सवाल जवाब हो, संसद में चर्चा हो, जवाबदेही तय हो। ये ऐसे लोग हैं साथियों, इन्होंने चलते चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की है। चलते चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए बैंक के। चलते चुनाव में 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, 147 सांसदों को एक दिन में निलंबित कर दिया और संसद में कानून पास कराते हैं। आपने देखा चंडीगढ़ में महापौर के चुनाव थे, महापौर के चुनाव में चुनाव अधिकारी बैठ के खुद वोटों को खराब कर रहा है। वो तो कैमरा में पकड़ा गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके न्याय दिलाया। संस्थाओं को कमजोर करना, विपक्ष को खत्म कर देना, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। अब जब घबरा गए, पूछो कि महंगाई क्यों बढ़ गई, बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, शिक्षित नौजवान बच्चे बच्चियां दर दर भटक रहे हैं, तो क्या जवाब आता है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इसके आगे सुई टक जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब चुनाव को 2 हफ्ते हो गए, कोई भाजपा का नेता मंत्री मुख्यमंत्री आके बोला आपके हरियाणा के अंदर, आपके क्षेत्र के अंदर आकर कि मैं महंगाई कम कर दूंगा, मैं बच्चों को रोजगार दे दूंगा? ये वो लोग हैं भावनाओं से खेलकर सिर्फ वोट लेना जानते हैं। आज पूरे हरियाणा में, और एक बात और सुन लो, ये तो लोकसभा के चुनाव हैं, चंद महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे, और आज मेरी बात नोट करके देख लो, हरियाणा में बनेगी कांग्रेस की सरकार 6 महीने बाद। कोई रोकने वाला नहीं है। और आप सब लोग, ये रहा हमारा राजस्थान, हमारा आपका, सुनो, हमारा आपका रोटी बेटी का रिश्ता है, और राजस्थान और ये क्षेत्र बिल्कुल लगा हुआ है, तो यहाँ की महक जयपुर तक जाती है। इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं, पहले तो यहाँ सारी सीट लोकसभा की कांग्रेस पार्टी को जिताओ, 6 महीने के बाद आप यहाँ पे सरकार कांग्रेस की बनाओ, और 2028 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार हम लोग बना के देंगे आप लोगों को। ये जाति बिरादरी धर्म भाषा, इस पर वोट लेना चाहते हैं हम? वोट लेना चाहते हैं सरकार कांग्रेस की रहे हरियाणा के अंदर? 10 साल मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हम लोगों ने क्या कानून बनाए? नरेगा का कानून बनाया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया। इन लोगों ने क्या किया? नोटबंदी, GST, 3 काले कानून, और जब कोरोना चल रहा था तो थाली भजवा रहे थे। ये सिर्फ भाषण देना, और देखो भाई भाषण में देखो कमी नहीं है, ऐसा लचीला भाषण देते हैं आदमी सुनता रहता है। अब कोई टीवी चैनल खोल लो, वही फोटो, वही फोटो, वही फोटो, अखबार में, टीवी में, झंडे में, बैनर में, पोस्टर में, मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, वही भाषण, वही भाषण, वही आश्वासन, वही जुमले। अरे भैया 10 साल हो गए, 10 साल सरकार में रह लिए, अब कहने 5 साल और दे दो कि भाई तुम्हें तो चाहिए 15 साल, और जो लड़का जाना चाहता है फौज में उसे बना दो अग्निवीर, उसे दो 4 साल। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय है? हमने कहा सरकार हमारी बन गई तो वापस पुरानी भर्ती खोल देंगे, अग्निवीर को खत्म करेंगे ताकि लोगों को नौकरियां मिले। इन लोगों का कोई संबंध नहीं, ना किसान से, ना किसानी से, ना फौज की जो भावना को समझते हैं, वोट बटोरने के माहिर हैं। लेकिन जनता ने, और भाई आप भी कमाल के लोग हो, जब देते हो तो बम्पर फाड़ के देते हो। ऐसा दिया MLA MP एक बार दो बार लगातार देते रहे, अब थम जाओ, डट जाओ, अब बदलाव का समय आ गया, और बदलाव शुरू करना पड़ेगा लोकसभा चुनाव से। जिस राज्य में गया हूं मैं, कल उड़ीसा में था, उड़ीसा में बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती, वहां पे ऐसा माहौल मैंने देखा। सच बात तो यह है,
कि जनता आगे आगे है, नेता पीछे पीछे है। जो भी पार्टी के नेता हैं, जनता की आवाज को महसूस कर रहे हैं, जनता के जहन में आज मुंह से कोई नहीं बोल रहा, लेकिन सबके मन के अंदर यह है कि बटन ऐसा खींच के दबाऊं कि इस बार यहां से राड काट दो इनकी। तो भारतीय जनता पार्टी, और मैंने पूछा दान सिंह जी से, मैंने कहा दान सिंह जी बाकी कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, मैंने पूछा कौन कौन लोकसभा के उम्मीदवार हैं, तो दान सिंह जी को 2 मिनट सोचना पड़ा कि बाकी कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। तो कृपया करके अपना वोट बर्बाद मत करना, वोट वहां देना जहां उसकी कीमत हो, और जो जीत रहा हो तो कांग्रेस पार्टी को हाथ का निशान है, बटन दबा के जिताना है। आप लोग वोट देकर जिताओ, कांग्रेस पार्टी जीत कर जाएगी, और आप लोगों के आशीर्वाद से जो बदलाव देश में हो रहा है, 4 जून को मतगणना है, हम भाजपा की तरह नहीं बोलते 200 पार, 300 पार, 400 पार, 500 पार। अरे भाई जब तुम्हारे 400 पार ही है तो चुनाव काय को करा रहे हो? ये जनता किसी के काबू में नहीं है। 2004 में वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, इंडिया शाइनिंग बोलते थे, और जब पेटी खुली, जब सरकार बनने का टाइम आया तो कांग्रेस की सरकार बनी है, और 2024 में 20 साल के बाद वही इतिहास दोहराया जाएगा, कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन इस सरकार के बनने में, इस सरकार के निर्माण में आप सब लोगों की आहुति चाहिए। आप सब कांग्रेस को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? अरे मेरे बाद यहाँ बड़े भाषण देने वाले आएंगे, अलग अलग बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, तो मैं अरे दादा रुक जा, मैं ये भाषण देके जा रहा हूँ बावल। लेकिन मैं, अगर मुझे कोई पूछे चंडीगढ़ दिल्ली से कि इस लोकसभा क्षेत्र का परिणाम क्या आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि कांग्रेस जीतेगी नहीं जीतेगी। मैं आवाज नहीं आई। तो पीछे वाले क्या बोल रहे हैं, पीछे वाले सुनो, जात पे ना पात पे वोट पड़ेगी, हाथ पे। मेरे साथ जोरदार नारा देना, और लगना चाहिए कि आप नारा दे रहे हो, आवाज पूरे हरियाणा जाने चाहिए, कांग्रेस पार्टी, साइड वाले नहीं बोले, दोनों साइड वाले, कांग्रेस पार्टी। और ये इतना जोर का नारा कि दिल्ली तक आवाज जाने चाहिए, दिल्ली तक, ठीक है? क्यों भाई, ठीक है? कांग्रेस पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद।